करता हूँ कि ये कर दिया जी ट्रैक्टर हाई स्पीड भाई, दुख दूर कर दिया जी हॉलैंड में। नमस्कार किसान भाइयों, राम राम भाइयों, मैं हरजीत सिंह स्वागत करता हूं आपका जय किसान टेक्निकल फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल पर। तो भाइयों बहुत ही स्पेशल ट्रैक्टर लेके आया हूं भाइयों, 50 एचपी कैटेगरी में एक बेहतरीन ट्रैक्टर है जी। सबसे ज़्यादा पीटीओ स्पीड और सबसे ज़्यादा गेयर स्पीड इस ट्रैक्टर के अंदर है जी। और भाइयों अच्छा मुझे इसलिए लग रहा है क्योंकि ये बहुत ही वाजिब कीमत में ट्रैक्टर दिया है जी। तो इसमें काफ़ी सारे फीचर बढ़ा दिए हैं, सुपर प्लस बढ़िया चला था जी कंपनी का ट्रैक्टर, ये सुपर डैश 2। तो इसमें पीछे भी बदलाव करा गया भाई, पूरी डिटेल्ड वीडियो मैं आपको दिखाऊंगा पूरे पूरे इसके फीचर की कितनी तरह की, 12 तरह की पीटीओ पूरी चला करके दिखाएंगे और रोड स्पीड वगैरह भी आपको सारी टेस्ट कराएंगे, कम से कम स्पीड भी टेस्ट करेंगे। तो भाइयों इस ट्रैक्टर का पूरा कंप्लीट रिव्यू आज हम आपको अपने चैनल पर देंगे। तो भाइयों 3600-2 सुपर की जो सीरीज थी वो पीछे से प्लेनेटरी ड्राइव थी, कोई इसमें जो है आपको पीछे से आवाज़ वगैरह नहीं आएगी। तो इस वाले मॉडल में जी पहले तो एडजस्टेबल फ्रंट है जी, वही 50 एचपी कैटेगरी वाला जो स्टिकर दिया गया है, सुपर के नाम से ट्रैक्टर है, इवेको इंजन है जी हॉलैंड का। तो भाइयों इस ट्रैक्टर में जो एक कमी भी नहीं कह सकते जी, एक्स्ट्रा फीचर डाला गया है, कमी कोई नहीं क्योंकि इस कैटेगरी के जो है 2 स्पीड ट्रैक्टर ही आते हैं। तो इसमें जो मेन चीज़ दी गई है जी गेयर बॉक्स, भाइयों गेयर बॉक्स आ गया है इसमें 16+4 का। भाइयों 4 स्पीड आपको रिवर्स की मिल जाएंगी, 16 फॉरवर्ड की। तो पहले भाई सुपर प्लस की काफ़ी सारी सुपर की वीडियो डाल रखी है हमने, सॉरी प्लस निकल जाता है मुंह से। तो उस ट्रैक्टर में क्या था जी, गियर स्पीड का इशू था भाई, ट्रैक्टर बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाता था पहले के हाई में। तो इसमें एक एक्स्ट्रा स्प्लिटर गियर दे दिया गया है जी। ये ट्रैक्टर मैंने भाई 1-1.5 साल पहले हॉलैंड प्लांट में चला के देखा था, तो मुझे काफ़ी ये चीज़ पसंद आई थी। तो भैया लगभग 3600 जो सुपर प्लस लेते थे गियर स्पीड की वजह से, भाई अब आप इस ट्रैक्टर से आप आराम से जो है सुपर सीडर चला सकते हैं अपने घर के काम के लिए, और जो है स्ट्रॉ रिपर भी आराम से चलाएगा भी। तो भाइयों इसमें जो है इसके साथ साथ 12 ही स्पीड पीटीओ की दी गई है जी, सबसे ज़्यादा पीटीओ स्पीड है फिलहाल इसकी। तो कैसे क्या चीज़ वर्क करती है वो मैं आपको दिखाता हूँ। इन लीवरों की लेंथ भाइयों पहले ही बढ़ा दी गई थी 2 स्पीड में ही, तो अब तो ये ट्रैक्टर खैर बहुत ही बढ़िया बन गया है। तो लीवरों की जो लेंथ है बहुत ही बढ़िया पोजीशन रखी गई है भाइयों, पहले वाले ट्रैक्टर के लीवर छोटे थे। और ये जो ऑपरेशनल एरिया है जी इसमें फ़र्क करा गया, और जो सीट है तो भैया सीट का यहाँ से उठान है, तो जैसे ही बंदा ऐसे बैठता है तो आप देख पा रहे हो इन चीज़ों को आराम है, सामने को ऐसे जोर नहीं लगता बैठ के, तो इस चीज़ पे भी ध्यान दिया गया है। तो भैया जो इसकी स्पीड है 1.8 की है, यानी कि 2 किलोमीटर के अंदर अंदर की स्पीड है, जो कि अपना जो है रोटावेटर के लिए भी अच्छी है, जो पक्की ज़मीन में अगर रोटावेटर चलाना है, और सुपर सीडर और स्ट्रॉ रीपर तीनों चीज़ों के लिए बेहतरीन स्पीड है जी। जो मेरे भाई किराए भाड़े का काम करते हैं तो होता क्या है भाइयों, कई बार ट्रैक्टर स्लो स्पीड महसूस होता है पहले किलो में, तो आप यहां से लो से हाई कर सकते हैं इसके चक्करों को, यानी कि ज़्यादा जुताई के फड़न लग जाए ठीक है। तो भाइयों अब मैं आपको इसकी गेयर टेस्ट कराता हूँ जी। सबसे पहले मैं इसकी लो से लो चाल दिखाता हूँ आपको, पहला लो दूसरा लो भैया, ये स्लो वाली चाल रहेगी। के अंदर एक कमी थी ट्रैक्टर के बैक गियर की कम स्पीड होना, तो वो टेस्ट करते हैं जी। तो भाई इधर से भी हाई कर लिया है, इधर से भी हाई कर लिया है, और अब लगाएंगे जी रिवर्स गियर। तो भाई पहले वाले डैश 2 में बहुत ही कम थी, तो भाई पूरी बढ़िया स्पीड है बैक स्पीड में। और जो पहला 3600 था भाई उसमें इतनी स्पीड थी बैक की, तो
तो ये भी एक बहुत बड़ी खामी दूर करी है जी बैक स्पीड। तो भाइयों जो भाई मांझे वगैरह का काम करते हैं, जो पहला डैश टू है भाई, वो बैक की स्पीड उसकी बहुत ही कम थी, तो कई सारी खामियां दूर हो गई हैं जी। तो भाई अब आपको मैं पीटीओ के विकल्प बता दूं इसमें, तो पीटीओ के बहुत सारे विकल्प हैं जी इसमें भाइयों। यहाँ पे जो है आपका पावर पीटीओ आ जाएगी इस साइड। तो अब आपको भाइयों इसकी लाइव टेस्टिंग दिखाएंगे पीटीओ के गियर की, पूरी 12 स्पीड दिखाएंगे। चलाओ जी, ये स्टैंडर्ड पीटीओ है भाइयों, इकोनॉमी में कर दो जी। ये आ गई जी इकोनॉमी पीटीओ भाइयों, जो कि हल्के लोड के लिए है। अब गेयरों में पीटीओ ले आओ जी। भैया जो भी गेयर लगाएंगे, जैसे कि उधर से आप तीसरा गेयर लगा दो जी, तीसरा। तो भाइयों ये तीसरे गेयर की स्पीड है, अब उधर से स्पीड हाई कर दो जी। तो भाइयों पूरी 12 स्पीड मिल जाएंगी। ऐसे ही रिवर्स की 2 स्पीड है, बैक गेयर लगाओ जी। अब ये स्लो होगी जी बैक की, बैक में भी 2 स्पीड है जैसे कि चोकिंग वगैरह, अब हाई कर दो जी ये देखो। तो भाइयों गंगो सहारनपुर से हमारे साथ जो है डीलर है सुखविंदर भाई हमारे साथ मौजूद है। तो क्या हाल है सुखविंदर जी? बहुत बहुत स्वागत है जी आपका जय किसान टेक्निकल पे। तो जैसे कि ये यूपी का पहला ट्रैक्टर आपने बिल कराया है? ये यूपी का पहला ट्रैक्टर आया हमारे पास, 15 तारीख को लॉन्चिंग हुई है ट्रैक्टर की, ठीक है, और 16 तारीख को हमारे पास ट्रैक्टर आ गया है। ठीक है, तो जैसे किसी किसान भाई को इसका डेमो वगैरह चाहिए तो क्या हिसाब किताब है सर? जिस टाइम कहोगे डेमो, ठीक है, और जिस जगह कहोगे वही डेमो देंगे। ठीक है, ठीक है। तो भाई इस ट्रैक्टर को एक बार देखो जरूर, जिसे ट्रैक्टर मैं ये नहीं कहूंगा कि डायरेक्टली खरीद लो जी। पहले कस्टमर अपनी सेटिस्फेक्शन करो जी, चला के देखो में। रूटावेटर पे चला के, कल्टीवेटर पे, डिस्कारो पे, जिस चीज पे चला के देखना उस चीज पे चला के देखो। तो भाई बड़े दिलदार है हमारे सुखविंदर भाई, ऐसा नहीं है कि कोई भी भाई आके इनके पास ट्रैक्टर देख के। तो भाई लेने से पहले एक बार इसके बारे में सोच लो जरूर, क्योंकि आपको जो है 16+4 तो गियर मिल गए जी, 20 गियर आ गए और 12 तरह की लगभग पीटीओ। हाँ, 12 तरह की, 2 अपनी होगी 540 नॉर्मल, हाँ, और 540 इकोनॉमी, 2 गियर। फेंड्रो वगैरह में भी आप काफ़ी ज़्यादा बदलाव कराया जी। और भाइयों ये एक न्यू हॉलैंड की भी खासियत है कि भाई किसानों के बीच जाके जो चीज़ें उन्हें चाहिए होती हैं तो उसी तरीके से ट्रैक्टर में बदलाव करे हैं ये भाइयों। पहले महिंद्रा की रीत थी, लेकिन न्यू हॉलैंड भी इसी उस पर चल पड़ी और वो कंपनी हमेशा कामयाब होती है। जैसे कि किसान भाइयों ने कहा कि ये लीवर छोटे हैं, तो भाई उस चीज़ को देखते हैं, लीवर बड़े कर दिए, पावदान बड़े कर दिए, और ये जो मड गार्ड है ये बढ़िया कर दिए जी, T20 स्पीड दे दी। तो भाई वो 50 HP कैटेगरी में लगभग सारे फीचर दे दिए हैं, जो मेरे भाई किराया करते हैं जी रोटावेटर वगैरह का। तो उन्हें क्या परेशानी आती है जी, ज़्यादा ज़मीन नहीं निकल पाती 2-speed ट्रैक्टर से। तो 3-speed अगर लेते हैं तब जो किराया भाई जुताई करवाते हैं वो कहते हैं कि पहला लो लगाओ, लेकिन इसमें जो है आप पहले गेयर में ही लगभग 7 बीघे से ऊपर पहले लो में जुताई कर सकते हैं, लो की हाई में करके। और भाई वो अगर कहीं ज़्यादा पक्की धरती है, जैसे कि बहुत ज़्यादा जगह हार्ड सॉयल है, खादर वगैरह की धरती है, तो वहाँ पे क्या प्रॉब्लम आ जाती है कि इम्प्लीमेंट बहुत बड़ा हो जाता है, क्योंकि कंडीशन बदल जाती है, ट्रैक्टर की चाल ज़्यादा हो जाती है। तो भाई आप लीटर गेयर से चाल घटा के वहाँ भी इसी 50 HP कैटेगरी ट्रैक्टर से काम ले सकते हैं। तो भाई आज का वीडियो था जो अपना 16+4 वाला न्यू हॉलैंड 3600-2 सुपर है जी भैया। पीछे से ये प्लेनेटरी ड्राइव है ट्रैक्टर, गेयरों की स्पीड बहुत बढ़िया है, वेट आपको लगा हुआ मिलता है, 14928 के टायर है। तो भाई अब इसका जो एक बार आपको रोड स्पीड और दिखा दें जी कैसी है। तो भाई अब इस ट्रैक्टर को जो है रोड पे ले आए हैं, तो सबसे पहले इसमें जो है स्लो स्पीड कर रखा है जी, इधर से जो है 4th गियर है। तो भाई देखते हैं कि कितनी चाल है। भाइयों ये पूरी जो चाल आ रही है, जो पुराना 3600-2 है उसके जितनी चाल यहाँ पे है इसकी। अभी जो है ट्रैक्टर को हाई स्पीड कर देंगे जी चलते चलते, ये गियर लगा के मैं आपको लगा के दिखाता हूँ, ये कर दिया जी ट्रैक्टर हाई स्पीड। भाई दुख दूर कर दिया जी हॉलैंड में। भाई अब स्पीड देखो ट्रैक्टर की, कोई RPM वगैरह बढ़ाने की आपको आवश्यकता नहीं है। भाई लगभग 38 किलोमीटर की स्पीड है 2100 RPM, और 2100 से ऊपर जाते ही तो 40+ है।
एक बार फिर से आपको स्लो करके दिखाता हूँ जी। ये देखो तो भाई, अगर बहुत ज़्यादा हॉलेज मान लो 200-250 क्विंटल गन्ना वगैरह भर रखा है, तो वहाँ पे भी आप टॉप गियर में जा सकते हैं यहाँ से स्लो करके। ये देखो जी, ये पहले वाले 3600 की चाल आ गई जी, और यहाँ लगाते ही अब ट्रैक्टर हो गया हाई स्पीड। तो भाई वो चाल वगैरह सब कुछ हमने आपको इस ट्रैक्टर का दिखाया, तो ट्रैक्टर स्लो स्पीड से हाई स्पीड भी हो गया। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना भाई, कोई बात रहेगी हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। धन्यवाद।